आपका पसंदीदा न्यूज चैनल प्राइम टीवी बहुत जल्द आ रहा है टाटा स्काई डीटीएच और नेटवर्क विजन के साथ कई लोकल नेटवर्क्स पर। सरपंच पूर्व प्रत्याशी उम्मीदवार निर्वाचन क्षेत्र संख्या 5 से पुनीता देवी पति विनोद कुमार सिंह पंचायत चकग्राम बेसा वार्ड नंबर 12 प्रखंड जलालगढ़ जिला पूर्णिया। पंचायत के सुयोग्य नेक शिक्षित कर्मठ ईमानदार संघर्षशील और कर्मशील महिला उम्मीदवार पुनीता देवी के चुनाव चिन्ह मोटरसाइकिल छाप का क्रम संख्या 2 पर नीला बटन दबाकर अपार मतों से पुनीता देवी को विजय बनाए। पुनीता देवी जी का कहना है कि वो इसलिए सरपंच पद का चुनाव लड़ रही हैं ताकि मेरे चुनाव लड़ने की प्राथमिक उद्देश्य समाज सेवा और पंचायत में मारपीट दंगा फसाद जमीनी जगह का विवाद जो भी समस्या हो बैठकर ग्राम कचहरी में पंचायत द्वारा उचित फैसला करेंगे और मैं चाहती हूँ कि एक बार चुनाव आयोग मुझे चुनाव लड़ने का मौका अवश्य दे। मैं मानवता के आधार पर सभी को न्याय फैसला करूंगी। इस समय दुख और सुख में साथ रहकर समाज की विशेष ध्यान रखूंगी। सिर्फ एक बार निर्वाचन क्षेत्र संख्या 5 से जनता के समस्त वासियों से जीत का आशीर्वाद मांगती हूँ। निर्वाचन संख्या 5 के सभी वासियों को दीपावली और छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूर्णिया से खास रिपोर्टर मोहम्मद नौशाद के साथ। सर सबसे पहले तो मेरे प्राइम टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर अपना परिचय बताइए। मेरा नाम धर्मा हूँ। मेरा पता जी उस बार सर आप सरपंच पद से चुनाव लड़ने जा रहे हैं जी। आप तो अगर सर यहाँ का जनता चुन लेते हैं सरपंच पद से तो क्या आपका पहला प्राथमिकता स्थान रहेगा? प्राथमिकता यही है कि पहले भी सरपंच पद थे तो जनता के लिए काम करते थे और हमेशा जनता के पास सेवा करते रहते जी और अभी भी करते हैं करेंगे जैसे लखन साहब आपके पंचायत में जब पंचायत में कानून व्यवस्था हो गया कैसा रहा पंचायत जो सरपंच निगरानी में रहता है जब सरपंच है तो कानून व्यवस्था भी बढ़िया रखे थे और चुनाव हारने के बाद में भी कानून का व्यवस्था रखे जी और जनता को तकलीफ है उन्होंने दी जी। कोई भी मेजर होता था या बचना होता था पहला स्थान था मेरा आना मैं जनता के बीच में रहता था और जनता सेवा भी करते हैं। कानून भी होता था कानून पहला उसको दिक्कत होता था मेरे पास जनता था तो मैं उसकी बात करता था और उसके साथ अपना मुझे तकलीफ होता था अभी भी तकलीफ कर रहे हैं करूँगा। सर आपका शिक्षा आपके पंचायत में शिक्षा का कैसा है? शिक्षा तो क्या बताएंगे तो पढ़ा लिखल है जो लोग से पढ़ लिखल है सब तो ठीक है। आपके पंचायत में स्कूल सही ढंग से चल रहा है? स्कूल क्या चलेगा टीचर लोग हो या महिला टीचर हो अपना सब बैठ के गप सप का करता है बच्चा पढ़े या न पढ़े कौन गाड़ी कर। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल प्राइम टीवी बहुत जल्द आ रहा है टाटा स्काई डीटीएच नेट विजन के साथ साथ लोकल नेटवर्क।